हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल दक्षिणा क्लासेस पे। और चलिए इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं कैपिलैरिटी को। हेडिंग देते हैं सबसे पहले कैपिलैरिटी होता क्या है। तो कैपिलैरिटी जो है यह एक फेनोमेना है। इट इज डिफाइंड एज अ फेनोमेना इन विच लिक्विड लेयर इज राइज और फॉल इन अ स्मॉल ग्लास या अ स्मॉल ट्यूब। अभी यानी कैपिलरिटी क्या है, जब हम अ स्मॉल ट्यूब को लिक्विड के लेयर में जब उसको डुबोएंगे तो क्या होगा, लिक्विड राइज करेगा या फॉल करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं। देखिए समझते हैं, यह मान लीजिए एक वेसल्स को लिए हुए हैं और इसमें यह स्मॉल ट्यूब को हम इसमें क्या किए, डिप किए। डिप करने के बाद यह इधर इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। यह क्या है, इसमें वाटर है। वाटर आ जाने के बाद इसमें लिक्विड लेयर क्या होगा, इसमें राइज करेगा यह, ठीक है। और यहां पे जाके क्या होगा, कुछ इस तरह से शेप को बना लेगा। तो यह क्या हुआ, चूंकि एडजेसेंट लेयर से लिक्विड क्या किया, राइज किया, तो इसको हम लोग कहते हैं राइज। जैसे आप फॉल को समझते हैं, फॉल क्या हुआ, यह है मरकरी। और यहां पे चूंकि एडजेसेंट लेयर से जो अपना ओरिजिनल लेयर था वहां से वह क्या किया, नीचे आया, यानी यह क्या हो गया, फॉल। यह क्या है, कैपिलरी राइज, और यह क्या है, कैपिलरी फॉल। हम लोग समझते हैं कि कब राइज करेगा और कब फॉल करेगा। तो राइज करने के लिए जैसे कंडीशन क्या है, तो यहां से हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। इस सरफेस को टच करते हुए टेंजेंट को ड्रॉ किए और यहाँ पे एंगल को मेजर किए। तो यह एंगल क्या है, तो लेस देन 90 डिग्री है। थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री से कम है। तो जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोहेशन फोर्स ज्यादा हो जाता है। कोहेशन फोर्स क्या हो जाता है, ज्यादा हो, सॉरी, एडहेशन फोर्स क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। किससे, तो कोहेशन से। यानी यहां पर एडहेशन फोर्स ज्यादा हो गया है, किससे, तो कोहेशन से। और जब एडहेशन फोर्स ज्यादा होगा, एडहेशन फोर्स क्या है, जब लिक्विड दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड के बीच में लगने वाला फोर्स को एडहेशन कहते हैं, और सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स, यानी उसी को क्या कहते हैं, कोहेशन। तो यहां पर 90 डिग्री से कम रहने से क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो एडहेशन का वैल्यू ज्यादा होगा। और जब एडहेशन का वैल्यू ज्यादा होगा तो यह सरफेस, यानी यह जो लिक्विड है, वह सरफेस को क्या करेगा, वेट करेगा, वेटेड सरफेस मुझे देगा, यानी सरफेस को गीला कर देगा, ठीक है। अब इस कंडीशन को समझते हैं, यहां से टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। तो जब हम यहां से टेंजेंट को ड्रॉ किए तो यह वैल्यू, ये देखिए कितना हो गया, थीटा। तो यहां पर जो थीटा का वैल्यू है वह ग्रेटर है 90 डिग्री से। तो जब थीटा का वैल्यू ग्रेटर है 90 डिग्री से, तो यहां पर कोहेशन फोर्स क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। किससे, तो एडहेशन फोर्स से। और जब कोहेशन फोर्स ज्यादा है तो यहां पर जो है, जो लिक्विड है, जो भी रिस्पेक्टिव मरकरी लिए हुए हैं, तो मरकरी यानी जो लिक्विड है यह नॉट वेटेड, यानी यह सरफेस को गीला
नहीं कर पाएगा। तो यहां पर आपको याद करके रखना है, जब अडहेसिव फोर्स ज्यादा हो गया तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम और सरफेस को भिगो देगा, और यहां पर 90 डिग्री से ज्यादा है यानी कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, और कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहने का मतलब यह सरफेस को गीला नहीं करेगा। इसका सरफेस को देखिए, इसका मिनिस्कस कैसा है, तो कॉनकेव मिनिस्कस देता है इस केस में। कैसा मिनिस्कस देगा? कॉनकेव। और यहां पे समझते हैं, यहां पे कैसा सरफेस है, तो जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है तो मिनिस्कस कैसा रहेगा, तो कॉन्वेक्स मिनिस्कस रहेगा। एक चीज तो हम यहां तक समझ लिए, अब हम वाटर और मरकरी के लिए बात करते हैं। देखिए थीटा का वैल्यू, इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद समझते हैं सारा कंडीशन को। देखिए हम वाटर के लिए बात करें तो वाटर है और प्योर वाटर है, प्योर वाटर है और क्लीन ग्लास ट्यूब है। प्योर वाटर और क्लीन ग्लास की ट्यूब के लिए थीटा का वैल्यू कितना रहता है, तो 29 डिग्री रहता है। और मरकरी के लिए, मरकरी और क्लीन ग्लास ट्यूब रहेगा तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री रहता है, तो थीटा का वैल्यू रहता है 129 डिग्री, 128 डिग्री यही रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को आगे पढ़ते हैं। इसी में कंडीशन क्या है और इसका एप्लीकेशन, देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो प्लांट्स है तो प्लांट्स में रूट से जो पानी ऊपर आता है यह कौन सा इफेक्ट की वजह से आता है, तो यह आता है कैपिलरिटी की वजह से ही। और यह लैम्प में आप देखते होंगे, लैम्प में जो बत्ती रहता है और बत्ती के में जो केरोसिन ऑयल जो ऊपर की ओर चढ़ता है, उस कौन सा इफेक्ट होता है वहां पे, तो वहां पे भी कैपिलरिटी ही होता है। दो डे टू डे लाइफ में आप कैपिलरिटी का इफेक्ट को देख सकते हैं। चलिए देखिए, कोई भी सरफेस कितना लिक्विड राइज करेगा या कितना फॉल करेगा, उसके लिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो एच इक्वल टू फोर साइन फोर सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी, ये फॉर्मूला होता है। इसको यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, याद करके रखना है। यहां पे देखिए एच क्या है, हाइट, कितना हाइट तक वह राइज किया, हाइट। उसके बाद थीटा क्या है, इंक्लिनेशन एंगल, यानी इंक्लिनेशन एंगल, कितना एंगल तक वह बन रहा है, जो भी जैसे जो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो एंगल बन रहा है वो वाला इंक्लिनेशन एंगल। उसके बाद देखिए डी क्या है, डाया, डाया ऑफ ट्यूब, डायमीटर ऑफ ट्यूब, ट्यूब का डायमीटर। और डायमीटर से ही आप लोग याद करके रखना कि कैपिलरिटी इफेक्ट को देखने के लिए जो डायमीटर है वो 3 mm से कम रहना चाहिए, लेस देन 3 mm। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सिग्मा, सिग्मा क्या है, तो टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल फोर्स, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, और सरफेस इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। अब यहां पर यह फॉर्मूला हो गया, रो, रो क्या है, तो डेंसिटी, जो लिक्विड को हम जो लिक्विड के उसमें डिबो रहे हैं उसका डेंसिटी, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर इस चीज को रिलेट करके देखिए, हाइट जो है कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, तो सिग्मा का, यानी जितना ज्यादा सरफेस टेंशन फोर्स रहेगा उतना ही ज्यादा हाइट भी रहेगा, पहला। दूसरा कंडीशन को देखते हैं, हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डाया का, यानी डाया को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे हाइट जो है वह कम हमको मिलेगा। अब तीसरा चीज को देखिए, थीटा वाला इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए कॉस थीटा को यदि हम समझे तो कॉस थीटा का 0 डिग्री पर वैल्यू कितना होता है, 1, और कॉस थीटा का 90 डिग्री पर वैल्यू कितना होता है, 0। यानी जैसे हम 0 से 90 की ओर जाते हैं तो थीटा का जो वैल्यू है वह क्या होते जाता है, कॉस थीटा का वैल्यू कम होते जाता है। यानी यहाँ पर एच जो है वह थीटा से कैसा प्रोपोर्शनल में है, तो थीटा को बढ़ाने पर एच का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डेंसिटी, डेंसिटी यानी जितना ज्यादा डेंस लिक्विड रखेंगे उतना कम कैपिलरिटी इफेक्ट को देखने को मिलेगा।
यहाँ पर हम कैपिलैरिटी को जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सभी को डिस्कस कर लिए। आई होप यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और यदि यह इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो आप इसे प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को और जिनको जरूरत है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ना भी करें तो कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी सजेशन या जो भी एडवाइस देना रहेगा इस वीडियो के रिगार्डिंग। तो थैंक यू।